कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 और 4 की गुरुवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक रखी गई, जहां कलेक्टर, सांसद और क्षेत्रीय विधायक सहित कई लोगों ने भाग लिया। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से इंदौर शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 और 4 के वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के लोगों की बैठक शहर के रविन्द्र नाट्य गृह में सम्पन्न हुई, जहाँ गुरुवार को इस बैठक में विधायक मालिनी गौड़, विधायक आकाश विजय वर्गीय, सांसद शंकर लालवानी सहित कई लोग मौजूद रहे। बैठक में चर्चा हुई थी कि वार्ड स्तरीय समिति को किस तरह कार्य करना है और आपदा के समय में कैसे लोगों को कोरोना से जागरूक करना है और कैसे इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाए, इस पर चर्चा हुई। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कल भी मैं बैठक में था, बहुत सारी चर्चाएं हुई। मेरा ऐसा मानना है कि जन जागरण और गाँव गाँव के लोगों कि मैं ऐसी जागृति पैदा करें, उसी गांव में गांव का लॉकडाउन हो, गांव बंद हो और गांव में ये उस समूह को पता रहे जो समूह जनसेवा के में हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है कि किसके घर में कौन बीमार हो रहा है। इतना आइडेंटिफाई अगर गांव के लोग करने लग जाएंगे तो हम इस चीज़ से बहुत जल्दी बच जाएंगे। और प्राथमिक उपचार के लिए समझाइश जो गाँव गाँव घर घर में देना है, शासकीय कर्मचारी अपने लेवल पे कर ही रहे, लेकिन अगर वहाँ के जो लोग गांव के जनभागीदारी टाइप जो लोग समझाइश देंगे उसका ज्यादा महत्व रहेगा। बैठक ली गई थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है कि कोरोना की इस लड़ाई में हम सबको मिल के लड़ना है और उसी के अनुसार जो प्रबंधन आपदा प्रबंधन जिले स्तर पर बनी थी और उनके निर्देश अनुसार अब नीचे विधानसभा स्तर पर और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी ये नीचे तक टोलियां बनी हैं। इस टोली में सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता और प्रमुख लोग और अधिकारीगण उस टोली में हैं। ये सब मिल के उस क्षेत्र में जन जागरण अभियान हो, कोविड केयर सेंटर हो और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें मदद करेंगे। हम सब मिल के स्थानीय स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना है, तभी हम इस लड़ाई से जीत पाएंगे। उसी के अनुसार आज ग्रामीण की भी कल हुई, आज भी हुई और शहरी क्षेत्र की आज बैठ के चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।